दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम बेस्ट टीचर कैसे बन सकते हैं। बेस्ट टीचर बनने के लिए जो हमारे सबसे पहली शर्त है वह है टीचिंग प्रोफेशन से प्यार करना। जब हम टीचिंग प्रोफेशन से प्यार करते हैं तो हम टीचिंग को एंजॉय करते हैं, यह कभी भी बोझिल नहीं बनता। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अपने टीचिंग को रोचक बनाना, इसको इंटरेस्टिंग बनाना। जब भी हम अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना करके क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो ये देखा गया है कि इससे बच्चों की लर्निंग आउटकम ज़्यादा होती है। इसके बाद हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम क्लासरूम में जब भी कोई टॉपिक को लेकर के आएँ, इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड होकर के आएँ, उसकी कम्प्लीटली हम स्टडी करके आएँ, उसका ऑब्जेक्टिव हम तय करके आएँ, उसकी हम टाइमिंग सेट करके आएँ, और यहाँ तक कि इस टॉपिक के असाइनमेंट्स क्या होंगे, इसके क्लास एक्सरसाइज क्या होंगे, होमवर्क क्या होंगे, क्या इसमें प्रोजेक्ट हो सकता है, इन सब सारी चीज़ों की हम प्लानिंग करके आए, आप देखेंगे कि आपकी टीचिंग हमेशा ही इफ़ेक्टिव होगी। हमें यह देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। इसके लिए हमें टू वे कम्युनिकेशन पर हमेशा ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी भी टीचिंग हमारी वन वे नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हम स्टूडेंट्स को, पूरे क्लास को अपनी टीचिंग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इनकरेज करें। जब भी हमारी टीचिंग में किसी तरह के कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, हमें इनकरेज करना चाहिए कि स्टूडेंट्स बिना हिचक अपने डाउट और क्वेश्चन हमारे सामने क्लास में रख सकें। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात होगी हमारे टीचिंग लर्निंग को असेस करना। हमें यह देखना ज़रूरी है कि हमारे टीचिंग के बाद बच्चों ने उस टॉपिक को कितना ग्रैस्प किया है, उनकी लर्निंग आउटकम कैसी है। इन सब चीज़ों का ध्यान हम एक क्लास टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हम जिस दिन जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसी समय क्लास टेस्ट लिया जाए। आवश्यक ये है कि इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम वीकली टेस्ट क्लास में कंडक्ट करें और यह देखें कि हमारे टॉपिक का बच्चों ने लर्निंग कितना हद तक किया है। अगर हम ये पाते हैं कि लर्निंग बहुत अच्छी नहीं हुई है तो उस टॉपिक को हमें फिर से क्लासरूम के अंदर रिपीट करना चाहिए या बच्चों से ये पूछना चाहिए कि उन्हें जिस किसी भी बिंदु पर यह टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है वह हमारे सामने सवाल रख सकते हैं।